नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू केसरी ने निर्वाचन फॉर्म जमा करने से पहले हनुमान जी महाराज और माता पिता का आशीर्वाद लिया। उसके बाद सागर जिले की सुरखी विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना के छठवें दिन कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने अपना नामांकन दाखिल कराया। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू ने राहतगढ़ SDM कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने विधिवत नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया। कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू केसरी ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, सुरखी विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट हो और विकास के काम ज़्यादा से ज़्यादा हों। साथ ही मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधते हुए कहा, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है हमेशा जनता को प्रोटेक्ट करना और जनता के लिए खड़े रहना, लेकिन सुरखी विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो यह गलत काम हो रहे हैं, जनता को डरा के धमका के अपना राज दिखाया जा रहा है, इस बार जनता जवाब देगी, क्योंकि यह स्वतंत्र भारत है। हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, सही बात को कहने का, गलत को गलत कहने का। अगर कोई कह रहा है, उसको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो जनता से बढ़कर कोई नहीं है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। एक ही विजन रहा है कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में डेवलपमेंट हो और विकास के कार्य ज्यादा से ज्यादा हो। मैम, एक आवाज आ रही है सुरखी विधानसभा में पिछले 5-6 साल से नाम के बराबर दिखती है, क्या कारण है और आप लोग अब क्यों आपको एक्सेप्ट करा दी? देखिए, ये जनता जानती है और जनता जब बोलती, जनता कह रही है कि अगर आपका कहना है ऐसा, जनता के बीच में अगर आपको लगता है आपके कहने से, लेकिन जनता के बीच में रह के ही तो मैंने इतने सारे विकास के कार्य किए हैं। अगर जनता के बीच में रहती नहीं तो कैसे ये डेवलपमेंट के काम जो सब बहुत इम्पोर्टेंट थे 30-30, 35-35 साल से जो नहीं हुए हैं, वो सब कैसे होते? जब आती जाती बनी रही, जो समस्याएं हमको पता चली जनता के माध्यम से पता चलती हैं, घर बैठ के नहीं पता चलती हैं। तो ये सब जनता के बीच में बैठ के लगातार उनके बीच में मैं रही हूँ और जनता मानती है कि मैं उनके साथ हमेशा खड़ी रही हूँ और जनता मेरे साथ खड़ी है। आज भी उनको डर और भय की राजनीति चालू कर दी है विपक्ष पार्टी ने, तो आप लोग कैसे उनको जवाब देंगे? देखिए, एक जनप्रतिनिधि का काम होता है हमेशा जनता को प्रोटेक्ट करना और जनता के लिए खड़े रहना, लेकिन इस बार सुरखी विधानसभा क्षेत्र में जो ये गलत काम हो रहे हैं, जनता को डरा के धमका के अपना राज दिखाया जा रहा है, इस बार जनता जवाब देगी, क्योंकि जनता, ये स्वतंत्र भारत है, हर व्यक्ति को अधिकार है अपनी आवाज़ उठाने का, सही बात कहने का और गलत को गलत कहने का। और अगर कोई कह रहा है, उसको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो जनता से बढ़कर तो कोई नहीं है यहाँ पे। 12 तारीख को जैसे आपके देवर पे FIR दर्ज हुई थी मार्केट में, एक तरफा कार्रवाई हुई, इसको आप किस प्रकार से आएंगे? मैंने यही कहा था कि जनता की तरफ अगर कोई आँख उठा के देखेगा तो सबसे पहले उनकी बिटिया यहाँ खड़ी रहेगी। उस दिन भी इसी तरह से कुछ हुआ तो सबसे पहले उनकी बिटिया खड़ी रही थी और हम जनता के लिए खड़े हैं, जनता की रक्षा के लिए खड़े हैं। जनता को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, हमारे परिवार की जिम्मेदारी है, तो हमेशा खड़ी रहूंगी। सच्चाई कुछ सम्माननीय नरेश चाचा जी का बहुत मार्गदर्शन रहा मेरे लिए और उनके कहने पे ही उनका आग्रह था कि बिटिया इधर आओ, और उनकी एक ही इच्छा थी कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को जिताना है और गोविंद सिंह राजपूत को सबक सिखाना है, और उनकी अंतरात्मा से ये आवाज़ निकली थी कि बिटिया तुमको आना ही होगा। उनके कहने पे मैं इधर आई और आज मुझे बहुत दुख होता है कि जिनके मार्गदर्शन में मैं इधर आई और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, ये हम सबके लिए, पूरी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। और मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ, उनके परिवार को ये जो बड़ा दुख मिला है उसको सहने की शक्ति दे, और मेरे लिए भी ये थोड़ा तकलीफ तय है कि मुझे भी ईश्वर शक्ति दे इस दुख को झेलने की, क्योंकि मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट थे जो हमारे बीच में नहीं है। क्योंकि 15 दिन सर्दियों बच्चे बचा बचा के अभी तक आप लोग को, आपको या आपकी पार्टी को कितना सपोर्ट मिल रहा है? आम जनता इस बार जहाँ भी मैं गई हूँ, जिस भी तरफ निकली हूँ, सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि इस बार जनता की लड़ाई है। मैं उनकी आवाज़ बन के मैं चुनाव लड़ रही हूँ, लेकिन जनता का कहना है कि दीदी आप चिंता नहीं करो, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, आप नहीं, आप हमारे साथ खड़ी हो, हमारे लिए खड़ी हो। तो जनता
पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस बार, और जनता का यही मानना है कि इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, और जब जनता चुनाव लड़ती है तो हमेशा जीत जनता की ही होती है। कहीं ना कहीं कार्यकाल में आपने जो भी कार्य करवाए हैं, अब ऐसे कौन से कार्य है जो आप अगर विधायक बनती हैं तो उनको प्राथमिकता से इस क्षेत्र के लिए करवाना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो बांध हमने स्वीकृत कराए, लगभग सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में 11 से 12 छोटे और बड़े सिंचाई बांध जो स्वीकृत हुए थे, उनमें से कईयों में काम चल रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो गए हैं। सभी को जानकारी होगी प्रकुल मध्यम सिंचाई परियोजना बक्सवाहा बांध, उसके अलावा हमारा तोड़ा जलाशय है, फिर ओरिया जलाशय है, साथ ही साथ कई जलाशय ऐसे हैं जो कंप्लीट हो गए हैं और उसका लाभ किसानों को मिलने लगा है। दूसरा, ये जो हमारा बड़ा जलाशय था जिसका पूजन मेरे कार्यकाल में हो चुका था, डेरा मध्यम सिंचाई परियोजना, उसका मेरा रहेगा कि अभी ये जो होल्ड हो गया था 2 साल में, तो वो काम जल्द ही शुरू हो, क्योंकि इसका पूजन 2018 अगस्त में, आप सभी को पता होगा, जन आशीर्वाद यात्रा में इसका पूजन हो चुका था, सभी फॉर्मेलिटी हो चुकी थी और पोर्टल में अपलोडेड था। तो जो काम हमारे अभी होल्ड हो गए इन 1.5-2 सालों में, जो काम नहीं हुए पाए हैं, मैंने स्वीकृत कराए थे, रुक गए हैं, तो उनको मैं प्रयास करूंगी कि जल्दी फील्ड पे हो। दूसरी बात, हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस की बात हमने रखी है, इन सब के लिए मेरा फोकस रहेगा कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकृति हमारे क्षेत्र में मिले और बच्चों को इसका लाभ मिले। तीसरी बात, हमारे जो युवा भाई हैं रोज़गार के लिए परेशान हैं, ITI हमने तो स्वीकृत कराए अपने क्षेत्र में, तो वो भी जल्दी से उसका लाभ सबको मिलने लगे और युवा लोगों को रोज़गार मिलने लगे। मैं जानती हूँ कि जब भी चुनाव होता है और समझती हूँ तो वो हमेशा फेयर चुनाव होना चाहिए, किसी एक पक्षी नहीं होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में पूरी तरह से, क्योंकि ये जनता का चुनाव है, तो प्रशासन भी पूरी तरह से फेयर इलेक्शन कराएगा, ये उम्मीद रखती हूँ मैं।